चंबल आश्रम की तरफ से आज चंबल आश्रम ग्राउंड हुकुमपुरा में शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 23 मार्च 1931 को देश के लिए शहीद हुए बलिदानियों में शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी के चरणों में फूल माला चढ़ाकर बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विकास चौहान, राजेंद्र चौहान, राज चौहान, संदीप चौहान, कुलदीप चौहान उपस्थित रहे। आशीष सिंह, वंदे भारत न्यूज, रामपुरा। ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी से बहुत डरी हुई है। राजनीति में जो होता है ना, साम दाम दंड भेद, सभी तरीके के हथकंडे अपना करके सामने वाले को डैमेज करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं, उनके पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने में तमाम आहुतियाँ दी। तो राहुल गांधी जी कहाँ से पीछे हट जाएंगे? उन्होंने कहा है कि हम डरो मत, झुको मत, ये तो आने ही है सारी चीज़ें सामने, क्योंकि डरी हुई सरकार राहुल जी को तोड़ना चाहती है। राहुल जी टूटने वाले नहीं हैं, आगे संघर्ष जारी है। कांग्रेस क्या कार्यक्रम तय करेगी इसको लेकर? 2024 को अगर इनकी संस्था जाती है तो चेहरा कौन होगा कांग्रेस का? किस चीज की सजा? जमानत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बड़े कोर्ट पड़ी है इतनी, एक अदालत ने अगर हमें कोई निर्णय गलत दिया तो हमारे सामने कानून है, बहुत सारी अदालतें हैं, अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सजा होते होते जब होगी, जब देखा जाएगा। अभी चेहरे के नाम पे क्यों परेशान है लोग? लेकिन निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी है, और 2 साल प्रक्रिया नियम ये है कि 2 साल की सजा होने पर सदस्यता जाती है। 1 महीने का पूरा टाइम है, जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे लॉयर्स पहुंच गए हैं, उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी बात कहने का मौका दिया है, आगे की लड़ाई जारी है। प्रदेश में किस तरीके का माहौल अब बनेगा, जिस तरीके से, क्योंकि अमेठी से दावेदारी थी लेकिन इस बार लग रहा है प्रदेश में माहौल भय का है। भारतीय जनता पार्टी भय दिखा करके कांग्रेस और राहुल गांधी जी को तोड़ना चाहती है, ये संभव नहीं है। कांग्रेस वो दल है जिसने इस देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों से लोहा लिया। राहुल गांधी जी उसी परिवार के नायक, कांग्रेस परिवार, और ये लड़ाई जारी है। थैंक यू।